अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे दूसरे सेमेस्टर की पहली क्लास है और वो भी अनाटमी की। और इस वक्त हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। लेट्स सी कौन सा टीचर होगा। आई थिंक सो आज कोई न्यू टीचर होगा। और आज हम पहली मरतबा 10 मिनट यूनिवर्सिटी पहले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है ना, ख्वाबगाह इमाम रज़ा, वो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ है, दूर नहीं है ज़्यादा। और इस हॉस्टल में हमारी है भी आखिरी दिन है, क्योंकि इसके बाद ये हमारा हॉस्टल चेंज कर रहे हैं ख्वाबगाह शुक्री, वो सिटी के अंदर है। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि हमारा हॉस्टल चेंज ना करें, लेकिन अगर उन्होंने हॉस्टल चेंज कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट टू फॉलो देयर ऑर्डर्स। लेट्स सी, हम भी अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, देखें क्या होता है। और ये मुझे लगता है ईरान में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मुझे यही लगती है, आराक यूनिवर्सिटी, क्योंकि पहला नंबर ये गवर्नमेंट है, इसके अलावा इसे स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है, यूनिवर्सिटी का स्टाफ मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ का हॉस्टल लाइफ वो भी अच्छी है। और ये ईरान में ये बात मैंने नोटिस किए थे, ये नाम सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सफाई पसंद लोग हैं ये ईरान के। और हॉस्टल भी इनके दो तीन हैं, एक मशीन साथ है लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब है, उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं और आपको मशीन साजी का कहते हैं या ख़्वाब के मशेखी का, तो उधर नहीं जाना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर आपको शुक्र या फिर इमाम रज़ा में डाल दें तो वो अच्छी बात है, सबसे अच्छा वो हॉस्टल वो इमाम रज़ा ही है। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं, ये कुछ हैरानी बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं मैंने स्पीड ये थोड़ी सी बढ़ा दी है। और यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत है, और ये सारा एरिया यूनिवर्सिटी का है। और अब ईरानी बच्चों की न्यू क्लास स्टार्ट हुई है, ईरानी बच्चों की रेडियोलॉजी की, तो ये सारे बच्चे वहीं जा रहे हैं। और ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है। और ये भी ईरानी बच्चे बैठा है, हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। फिर मैं जब आपको वापस आऊँगा फिर मैं दिखाऊँगा कि हम कौन से रूट से वापस जाते हैं, हमारा हॉस्टल कितनी दूर है, 2-3 मिनट 5 मिनट दूरी पे होगा, इससे ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो ये हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी, अब इससे आगे यूनिवर्सिटी में इंटर होने वाले हैं और हो गए इंटर। और अब हम आज हमारा सर ने बताया कि इधर आपका आखिरी दिन है, फिर आज शाम की हमारा ये, बल्कि कल सुबह को हमारा, बल्कि आज भी यहाँ भी 10 बजे, अभी 10 बजने वाली एक ही क्लास थी 8 से 10 तक, 10 बजे ये हमारा हॉस्टल चेंज कर रहे हैं, जाएंगे, सारा सामान हमने पैक करना है, सारा सामान वगैरह पैक करने के बाद ये हमें ख्वाबगाह शुक्री में डाल रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये हमारा हॉस्टल है ख्वाबगाह इमाम रज़ा, ये सारे पहाड़ हैं। और वैसे आज मौसम भी बहुत अच्छा है, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं होती। मैंने नोटिस किया, हमें 5 मंथ हो गए यहाँ पे आए, हमारा पहला सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे बारिश आज तक नहीं हुई। बादल बनते हैं, मौसम भी अच्छा होता है, लेकिन बारिश कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई 5 मंथ में। बादल अच्छे से बनते हैं लेकिन नहीं हुई बारिश। ये जो सामने देख रहे हैं आपको हॉस्टल, ये हमारा हॉस्टल है, लेकिन हर चेंज हो जाएगा आज के बाद, हम फिर चले जाएंगे ख्वाबगाह शुक्री में। वो हॉस्टल वो भी अच्छा है, मैंने सुना ऐसे वो सिटी के अंदर ही है, और इसके नज़ारे आप कुछ दे सकते हैं इस तरह कुछ अच्छा। तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ईरान के ना हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा सफ़ी पसंद है। इसके अलावा ईरान के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ये सेबों का बाग है, सेब इधर ये भी गवर्नमेंट के हैं, इंटरनेशनल बच्चे ने यूज़ कर सकते हैं, हमने तो काफ़ी यूज़ किए हैं, हमें कभी किसी ने नहीं रोका। और यहाँ पे खुबानी भी होती है, वो भी यूनिवर्सिटी का बाग है, खुबानियों का भी, आड़ू भी हैं यहाँ पे, सेब हैं,
और थोड़े बहुत अंगूर हैं, अंगूरों के बाग नहीं है लेकिन उनके जस्ट चंद एक पौधे हैं। इसके अलावा अखरोट, अखरोटों के भी आलमोस्ट बाग ये समझ लें क्योंकि उसके आलमोस्ट 40-50 पौधे हैं, दो एक बाग बन जाते हैं आलमोस्ट। ये हमारा हॉस्टल है, पहुँच गया मैं हॉस्टल, और हॉस्टल जाके मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड को भी दिखाऊँगा। लेकिन हम एक पहाड़ पे हमने जाना है, वो उसका भी लोग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिर अभी जाने आज ही जाएंगे थिंक सो, क्योंकि हमने फिर तो यहाँ आना नहीं है इस पहाड़ पे जो आपको दिखा रहा हूँ। और इस वक्त हम अपने हॉस्टल में इंटर होने जा रहे हैं, और लेट्स सी। अभी हम हॉस्टल में जा रहे हैं और ये अब हम हॉस्टल में इंटर होने वाले हैं। एंड हियर वी गो, ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम है सबसे पहले, ये बैठा है, ये मैं जानता है काफ़ी।